बजरंगपुर नाम का गांव था। वहां शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा के घर के पास एक नदी थी। शारदा का गांव बहुत ही सुंदर होने की वजह से वहां बहुत टूरिस्ट आया करते थे। नदी के पास शारदा के परिवार का पानी पूरी ठेला था। शारदा और अनामिका दोनों मिलकर उस ठेले को चलाती थी। पानी पूरी के सारे सामग्री वो घर से तैयार करके ले आते थे। एक दिन शारदा, बेटा अनामिका, बरसात आने वाली है बहुत जल्द। हर साल इस नदी में बाढ़ आती है, क्या होगा अगर इस साल भी बाढ़ आए तो हम अपना व्यापार कैसे चलाएंगे? बरसात जब शुरू होगी तब हम सोचेंगे ना सासू माँ, अभी से सोच के क्यों परेशान हो रही हैं? अगर हम पहले से नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा? ये हमारा जीविका चलाने का एकमात्र स्रोत है, अगर इसके बारे में ना सोचे तो कैसे चलेगा? अगर ऐसी बात है तो आप ही बताइए क्या करें हम। जब भी नदी में बाढ़ आती है लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं और फिर भूख से तड़पते हैं। हर बार यही हो रहा है, कम से कम इस बार लोगों को भोजन के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़े। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए, इससे हमारा धंधा भी चलेगा और लोगों की भूख भी मिट पाएगी। आपने जो कहा वो तो सही है, पर बाढ़ में पानी पूरी ठेला कैसे लगाए? उसके लिए मेरे पास एक अच्छा विचार है। वैसे भी हम इस नदी में लोगों के लिए नाव की बंदोबस्त करेंगे ही, तब हम एक नाव किराए पे ले लेंगे और उसमें पानी पूरी रख के बेचेंगे। अरे सासू माँ, नाव खरीदना इतना आसान नहीं, उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। फिर हम क्या करें बहुरानी, तुम ही बताओ। हमारे बगीचे में बहुत लकड़ियाँ पड़ी हुई है, हम उन लकड़ियों से एक नाव बनाएंगे। तरकीब तो अच्छी है, पर नाव बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगेगी बहू। वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए सासू माँ, गांव के अंत में कारपेंटर रमन है, मैं उसकी सहायता ले लूंगी। तरकीब अच्छी है, फिर देर किस बात की, जाओ काम शुरू कर दो, इधर ठेले को मैं देख लूंगी। इस तरह शारदा ने कहा। अनामिका कारपेंटर रमन के पास गई और नाव तैयार करने के लिए उसे अपने साथ घर ले आई। दो दिन के कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पानी पूरी के आकार में एक नाव बनाई। कुछ दिनों के बाद गांव में बाढ़ आ जाती है। सासू माँ, अब देर करने से कोई फायदा नहीं, हमें अपना पानी पूरी व्यापार को नाव में ले जाना होगा। जैसा उसने कहा, वे शारदा और अनामिका दोनों ने मिलके अपने पानी पूरी के सारे सामान लेके नाव में चले गए। इस बीच बाढ़ की स्रोत बढ़ जाती है। अनामिका अपने पानी पूरे व्यापार का सारे सामग्री एक साथ इकट्ठा करती है और नाव में बैठकर व्यापार शुरू कर देती है। सासू माँ, इस बाढ़ में पानी पूरी बेचना इतना आसान नहीं है, जब लोग बाढ़ से पीड़ित हो उनके पास पैसे कहाँ से होंगे? फिर अब हम क्या करें बहू? वैसे भी सासू माँ, अगर हम उन्हें पानी पूरी नहीं बेचते हैं तो खाने के सारे सामान सर जाएंगे, इसीलिए हम बिना पैसों के ही उन्हें खिलाएंगे और मदद करेंगे। वैसे जो आप कह रही हैं बहुत ही अच्छी बात है, पर हमारे पास खाने के लिए खुद कुछ नहीं है, उन्हें दे देंगे तो हम कैसे जिएंगे? सबसे पहले हमें इस बाढ़ से निकलना होगा, बाद में हम कुछ भी सोच सकते हैं। अभी हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ठीक है बहुरानी, आपकी इच्छा, मैं तुम्हारे जैसे महान नहीं हूँ, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। मेरी प्यारी सासू माँ, मैं जो कहती हूँ आप कभी ना नहीं कहती। इस तरह अनामिका ने सासू माँ की तारीफ की। फिर वो जाकर जो पानी पूरी उनके पास थे लोगों को खिला देते हैं। दो तीन दिन निकल जाते हैं, फिर दुर्भाग्य से पानी पूरी नाव में छेद हो जाता है और नाव के अंदर बाढ़ का पानी आने लगता है। हे भगवान, बाढ़ से बचने के लिए हमने ये नाव बनाई, अगर ये नाव डूब जाए तो कैसे जिएंगे, हम अपनी जान कैसे बचाएंगे? हे ईश्वर, आप हमारी रक्षा करें ईश्वर। आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, मैं हूँ ना, सोचने दीजिए क्या कर सकते हैं। इस तरह वो सोचने लगती है। तब तक जो लोग तैर रहे थे उसने अनामिका के बोट को देखा और फिर उस बोट के पास आकर वो अनामिका के बोट को खींचते हुए नदी किनारे तक ले गए। तुम सभी ईश्वर बनके हमारे सहायता के लिए आए, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं।
अगर तुम समय पे नहीं आते तो पता नहीं क्या होता हमारा। बाढ़ के दौरान आपने हमारी भूख मिटाई, इतनी सहायता अगर हम ना करें तो फिर क्या किया हमने? आपके हाथों से खाना खाके हम एक ही गांव से हैं, तो एक दूसरे की सहायता करना बनता है। देखा सासुमा, पैसों के बारे में सोच के अगर हम उनकी मदद ना किए होते तो आज हम जिंदा ना होते। इसी वजह से हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, वो किसी ना किसी तरह से हमें वापस मिल ही जाता है। तुमने बिल्कुल सही कहा बहू, सच में हमारे पास जो कुछ भी है हमें उससे लोगों की मदद करनी चाहिए। ये एक अच्छा विचार है, अगर हर कोई अपने पास जो कुछ भी है उससे दूसरों की मदद करे तो गरीबी ही नहीं रहेगी। तुम्हारी जैसी बहू पाके मैं बहुत भाग्यवान हूँ। हम जिस वातावरण में पैदा होते हैं और पलते बढ़ते हैं वही तय करता है कि हम किस तरह का बर्ताव करते हैं। इसीलिए माता पिता को अपने बच्चों को दूसरे की मदद करने की आदत डालनी चाहिए, तभी तो अच्छी आदत बनेगी। ऐसे बड़े दिल वाले सास और बहू की वजह से आज हम इस परिस्थिति से बाहर निकल पाए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। अनामिका अपने सासू माँ शारदा के साथ पानी पूरी बेचा करती थी। इस बात से सब उन्हें बहुत चिढ़ाया करते थे। पहले जेवर पहन पहन के बहुत घूमते थे, अब क्या हो गया, अब क्यों पानी पूरी बेच रहे हो? इस तरह वो उनके मजाक उड़ाते हुए कहता है। उसकी बातें सुनकर अनामिका और शारदा बहुत दुखी हो जाते हैं। इस बीच एक व्यक्ति उनके पास आकर कहने लगता है, आप चिंता ना करें, कुत्ते तो भौंकते ही है। वो छोड़िए, क्या मैं जान सकता हूँ आपके परिवार के साथ क्या हुआ, कृपया मुझे बताइए। फिर अनामिका कहने लगती है, क्या बताया, पता नहीं लोग इस तरह से हमारे बारे में क्यों बातें करते हैं। ऐसा वक्त था जब हमने कितनों की मदद की थी, हम बहुत अमीर हुआ करते थे, मेरे पति के बहुत बड़े बड़े व्यापार थे, पर जैसे जैसे व्यापार में घाटा होता गया हमें बहुत नुकसान हो गया, हमारे बहुत कर्ज हो गए, जो कुछ हमने कमाया था व्यापार में सब उधार चुकाने में लग गए। बाद में हमने एक छोटा सा पानी पूरी का ठेला शुरू किया और उसी से हम अपनी जीविका चला रहे हैं। अनामिका की बातें सुनकर शारदा कहने लगती है, जबकि हमने सारा कर्ज चुका दिया है, समझ नहीं आता लोग फिर भी इस तरह की बातें हमारे बारे में क्यों करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। इस तरह से कहकर वो दोनों उदास हो गए। उनकी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहने लगता है, अरे चिंता मत कीजिए, अच्छा समय जरूर आएगा और आप लोग फिर से अमीर बन जाएंगे। इस तरह से कहकर वो आदमी वहां से चला गया। फिर अनामिका और शारदा दोनों अपने अपने काम में लग गए। शाम तक उनका काम खत्म हो जाता है, दोनों अपना सारा सामान इकट्ठा करके घर वापस जाने लगते हैं। अचानक उन्हें एक डब्बा दिखता है। आज सुबह जो आदमी आया था ना वो यहीं बैठा था, लगता है उसी का है, वो भूल गया है, कल आएगा तो हम उसे लौटा देंगे। अनामिका की बातें सुनकर शारदा भी हाँ कह देती है। अगले दिन हर रोज की तरह वो फिर से पानी पूरी का व्यापार शुरू कर देते हैं। जा, सब पानी पूरी खत्म हो गया। अनामिका तुम छोटे छोटे टुकड़े पानी पूरी के उस जार में फेंक दो, मैं घर से नई पानी पूरी ले आती हूँ, शारदा कहती है। अनामिका भी उनकी बातों पर तैयार हो जाती है। ठीक है सासुमा, अगर वो आए तो हम उसे कहेंगे कि हम ये बाद में दे देंगे उसे। ऐसा कहकर वो छोटे छोटे पानी पूरी के टुकड़े उस डब्बे में फेंकने लगे। जब वो छोटे छोटे टुकड़े पानी पूरी के फेंक रहे थे, उस कैन से उन्हें एक बड़ी पानी पूरी मिलती है। ये देखकर दोनों सास बहू आश्चर्य हो जाते हैं। ये सब देख के वो समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है। तब तक उस डब्बे से छोटी छोटी पानी पूरियों की बरसात होने लगी। सासुमा, इसका मतलब है कि हमारे सारे कष्ट खत्म होने वाले थे, वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, उनकी वजह से हमें मदद मिली है, वो स्वयं ईश्वर थे। सच कह रही हो, ये असल है अनामिका, ये पानी पूरी खुद से डब्बे में कैसे आ रहे हैं? सास बहू इस तरह से बातें कर रहे थे और बड़े आश्चर्य हो रहे थे। फिर वो एक बड़ी पानी पूरी देखी और दोनों ही चौंक गए।
आप सभी इस बड़ी सी पानी पूरी के पास जाके अपनी मनोकामना बताइए, आप सभी की इच्छाएं पूरी होंगी। इस तरह अनामिका सभी ग्राहकों से कहती है। जो भी ग्राहक वहाँ आए सभी ऐसा करने लगे। जो भी लोग वहाँ आए वो कहने लगे कि ये एक पानी पूरी मशीन है। फिर उस पानी पूरी से हर किसी को अपनी अपनी इच्छाएं वाली चीजें मिल गई। फिर सभी ने अनामिका को पैसे दिए और वहाँ से चले गए। ऐसे ही बहुत से लोग उस जादुई पानी पूरी को सिर्फ देखने के लिए ही आने लगे। पानी पूरी देखने के बाद वो पानी पूरी चखते भी थे। एक दो खाने के बाद उन्हें और पानी पूरी खाने की इच्छा होने लगी, क्योंकि पानी पूरी का स्वाद बहुत ही अच्छा था। सब एक एक करके आने लगे और लंबी लाइन लगाने लगे। ये सारी चीजें देखकर शारदा और अनामिका आश्चर्य हो रहे थे। सासुमा, हमने इस चीज की बिल्कुल कल्पना भी नहीं की थी। पता नहीं कितने पैसे मिल रहे हैं, बहुत सारे पैसे हो गए हैं। हम उन्हें कब गिनेंगे सासुमा? कुछ दिनों के बाद पूरे घर में पैसे ही पैसे हो गए। दो दिन मेहनत करने के बाद उन्होंने सारे पैसों को गिना। पैसे गिनने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए मिले। हे भगवान, हमने एक हफ्ते में 10 लाख रुपए कमाए हैं। सच में वो जादू इंसान था। अगर आप ये सहायता ना किए होते तो ये चमत्कार ना होता। इस तरह अनामिका ईश्वर से प्रार्थना करती है। फिर से वो पहले जैसे अमीर हो जाते हैं। अनामिका इस विषय के बारे में बताते हुए अपने पति को संदेश भेजती है। फिर वो लौट के आते हैं और वो सब मिलके पानी पूरी का व्यापार करने लगे। सभी रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग देखकर आश्चर्य हो रहे थे। देखो कितने परिश्रम करके वो अपने पानी पूरी का व्यापार इतना बड़ा किया। इस तरह उनके पीछे भी लोग बातें करने लगे। अनामिका और शारदा ये सारी चीजें देखकर कहते हैं, ये लोग कैसे हैं? पैसे रहे तो भी बातें करते हैं, पैसे ना रहे तो भी बातें करते हैं। एक बात तो साफ है, पैसे हो चाहे ना हो, हमें वहीं के वहीं रहना है। पर परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, ईश्वर हमें हमेशा आशीर्वाद करेंगे। इस तरह सास बहू ने सोचा। फिर सास बहू मिलके कई गरीबों की भूख मिटाने की कोशिश में लग गए और इस तरह अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे।